गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। वंस अगेन मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ टारगेट नीट माइनर टेस्ट 07 के अंदर फिजिक्स जो सेक्शन है उसका सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम शोन बिलो आर। देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। थ्री मास सिस्टम अपने को दे रखा है तो अपने को कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। जैसे 4 kg का यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो 4 kg का मैं कोऑर्डिनेट लिखूँगा 0 एंड 0, ठीक है। एंड 6 kg के यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा बच्चों 1 एंड 3। 5 kg के यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो बच्चों मैं लिखूँगा 3 एंड 2। ओके बच्चों, अब जैसा कि यहाँ त्रिविम निकाय के द्रव्यमान केंद्र की बात हो रही है तो हमें डायग्राम देखने से ही पता चल गया है इसके पास एक्स सेंटर ऑफ मास भी होगा और वाई सेंटर ऑफ मास भी होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 + m2x2 + m3x3 अपॉन टोटल मास m1 + m2 + m3, ठीक है बच्चों। ऐसा ही फॉर्मूला वाई सेंटर ऑफ मास के लिए भी लगेगा, ठीक है। चलिए एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके देखते हैं। 4 रखूँगा मैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, 6 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, एंड 5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, अपॉन टोटल मास 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। तो आई थिंक यहाँ पे 21/15 मेरे पास आएगा जो कि 1.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि वाई सेंटर ऑफ मास जो मुझे कैलकुलेट करना है तो 4 का वाई कोऑर्डिनेट 0, 6 का वाई कोऑर्डिनेट बच्चों 3, प्लस में 5 का वाई कोऑर्डिनेट 2 अपॉन 15 टोटल मास, ठीक है। यहाँ पे 28/15 आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, राइट आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है बच्चों। आगे चलें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कणों के एक निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि। देखो, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी थ्योरी के अंदर। वेग नियत तभी रह सकता है जब कणों पर निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का योग शून्य हो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में आप एफ इक्वल टू एम ए जो लिखते हो वो एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हो। यदि अपन एक सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट जो वेलोसिटी के साथ में मूव करता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट विल बी आवर आंसर। आगे चलें, अब देखिए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 500 ग्राम पोजेस वेलोसिटी 10i कैप, ठीक है, एंड 3j कैप + 5j कैप रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मासेस, देखिए बच्चों, यहाँ मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो वी सेंटर ऑफ मास होगा m1v1 + m2v2 / m1 + m2। यदि दो कण दे रखे हैं, दो से ज़्यादा हो तो फिर m3v3 अप और अपॉन में प्लस m3 और आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, आगे ट्राई करें अपन। तो 200 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बच्चों इसकी है 10i कैप, ठीक है, प्लस में 500 ग्राम 3i कैप + 5j कैप, ठीक है, और अपॉन में टोटल मास, टोटल मास कितना है 700 ग्राम। अब 0, 0 एंड ग्राम सारे कट जाएंगे तो आई थिंक मेरे पास यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 20i कैप, ठीक है बच्चों, प्लस में 15i कैप एंड प्लस में 25j कैप, ओके, और अपॉन में मेरे पास रहेगा 7। तो आई कैप प्लस कर दीजिए, 35/7i कैप, ठीक है, एंड प्लस में 25/7j कैप, तो 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 5i कैप + 25/7j कैप विल बी माई आंसर, जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलें, अब देखिए, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इज एक्सिस इज 0.70, ठीक है। अबाउट इज एक्सिस मीन्स आई सेंटर ऑफ मास अपने को दे रखा है 0.70 kg m², ठीक है बच्चों। अब व्हेन ए 2 kg वेट इज एडेड टू इट्स रिम 0.40 m फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है बच्चों। उसके कहने का मतलब यह है कि पहले यह डिस्क कैसे घूम रही थी,
ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट, आई सेंट्रल मास के अबाउट। अब क्या है, 0.40 मीटर पे, मीन्स रिम के ऊपर अपन ने कोई पार्टिकल 2 kg का ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों, और ये जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर, ठीक है, या 0.4 लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे, जब आई टोटल जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या लिखना होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस में आई जो 2 kg के कारण प्रोड्यूस हुआ है वो, आई सेंटर ऑफ मास तो 0.70 आ ही रहा है मेरे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी पार्टिकल यदि किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उसका जो सेंटर, उसका उस एक्सिस के अबाउट यदि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं, तो एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो 0.4 का स्क्वायर, तो आई थिंक यहाँ पे 0.70 प्लस में 0.32, तो आई थिंक 1.02 kg m² मेरे पास क्वांटिटी मिलेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 kg m² के बराबर हो सकती है। तो फोर्थ विल बी माई आंसर। ओके बच्चों, आगे चलें। देखिएगा, व्हेन ए थिन यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ मास एम ए लेंथ एल इज पाइवेटेड अबाउट इट्स मिड पॉइंट, जब एक एम द्रव्यमान, ठीक है, इसका द्रव्यमान एम है और लंबाई एल है, इसको यहाँ पे पाइवेटेड किया गया है, मध्य बिंदु से लटकाया गया है, ठीक है, तो इस मध्य बिंदु के अबाउट जो है ये, जब ये जड़त्व आघूर्ण यदि घूर्णन करती है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है एक स्टिक का या फिर एक रॉड का भी बोल सकते हो, वो एम एल स्क्वायर बाय 12 मेरे को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के अंदर ये बोल रहा है, यदि मैं इसको, इसी के पैरेलल एक एक्सिस है और किसी एक जो सिरे से गुजरने वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, एम एल स्क्वायर बाय 3 अपन लेके चलते हैं, याद आया? हाँ जी, कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, सेंटर ऑफ मास का ये है एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस में यहाँ पे एम एल स्क्वायर, ये एल बाई टू डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, तो एम एल स्क्वायर बाय 4, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, एम एल स्क्वायर बाय 3 आपको मिल जाएगा, तो सेकेंड विल बी आवर आंसर। आगे चलें। एज ए ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर टुवार्ड्स इट्स फोकल पॉइंट इट्स इमेज, देखिए बच्चों कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है, ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे सी पॉइंट ले लेता हूँ, जो कि आर ओ सी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट आपका मिरर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, मिरर की ओर मूव करते हुए जब भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आता है, तो इमेज जो है वो हमेशा फोकस से स्टार्ट होती है और इमेज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती जाएगी और रियल इमेज इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, तो सी से एफ की तरफ जब तक ये जाएगा तब तक जो है सी पे वापस जो इमेज है वो एकदम बराबर हो जाएगी, ठीक है, यदि इन्फिनिटी पे है तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी, जैसे ही इन्फिनिटी सी तक आएगा तो बराबर बन जाएगी, जैसे ही सी से क्रॉस करके जाएगा तो इमेज का जो साइज़ है इन्वर्टेड के अंदर और ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, जैसे ऐसे, ठीक है बच्चों, ये और ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, तो सी से एफ तक यदि ये जा रहा है तो इमेज का साइज़ जो है वास्तविक होगा एक तो, ठीक है, रियल ही रहेगी वो और बड़ी होती जाएगी, तो सेकेंड विल बी माई आंसर, ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये एफ से क्रॉस कर जाती है तो जो इमेज है जस्ट मिरर के बैक साइड में बन जाती है, वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन इरेक्ट कैंडल फॉर्म कॉन्वेक्स के लिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा दो ही तरह के, मतलब मीन्स उत्तल के लिए सदैव दो ही तरह के केस होते हैं, पहला केस यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, और सेकेंड केस यदि मेजरेबल डिस्टेंस पे है, कोई भी ऐसी डिस्टेंस है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, तो हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे यदि मैं लूँ तो हमेशा फोकस एंड पोल के बीच में बनेगा, ठीक है, और हमेशा वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट के जो साइज से छोटा बनेगा, ठीक है, तो आभासी सीधा और मोमबत्ती से छोटा, हमेशा छोटा बनेगा, ये दो ही केस बनते हैं इसमें, ठीक है ना, और इन्फिनिटी पे होगा तो पॉइंट साइज बनेगा फोकस में, तो आभासी सीधा और मोमबत्ती से छोटा, थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर मस्ट ऑब्जेक्ट बी विजिबल सो दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम साइज, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि यदि अपन आर ओ सी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, यदि अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का मुझे प्राप्त होगा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है, ये डायग्राम के अंदर आपको लग रहा होगा इमेज ज़्यादा बड़ी है, लेकिन एक्चुअली के अंदर
साइज जो है वो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, कहाँ रखना पड़ेगा फिर? फोकस से दुगनी दूरी पे। क्यों? क्योंकि आर ओ सी इज इक्वल टू 2F। ठीक है बच्चों, ट्वाइस द फोकल लेंथ, सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर मेरे को दे रखी है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया हुआ है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, द इमेज पोजिशन इज ओके। 18 सेंटीमीटर मीन्स यदि मैं साइन कन्वेंशन यूज़ करूँगा तो -18 पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो -1/18 इज इक्वल टू कॉन्वेक्स जो आपके मिरर है, ठीक है, लेंस नहीं सॉरी मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो आपको इमेज जो मिलेगी वो मिलेगी 18 इंटू 12 अपॉन में 30, 7.2 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया है हमेशा मिरर के बैक साइड के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर हमेशा मिरर के बैक साइड में ही इमेज मिलती है। आगे चलें, क्या हो जाएगा फर्स्ट? आगे चलते हैं। अब देखिए, द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आ गया है वापस, 30 सेंटीमीटर की मेरे पास फोकल लेंथ है, इज ए क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, वी बाई यू, क्योंकि यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यू बाय फोर। ठीक है, तो 4/u -1/u इक्वल टू 1/f, सीधा मिरर फॉर्मूला लगाया है मैंने, तो u जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3f, कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन पहले ही यूज़ कर लिया, तो ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आया। ठीक है ना बच्चों, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ देखिए ऑप्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, तो मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, तो 90 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कैसे? जितनी भी आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, आपने कभी देखा हो तो हेडलाइट्स का शेप ट्राई करती है कंपनीज कि ऐसा रहे। ठीक है, और जो अपने बल्ब जो होता है आपका, थोड़ी सी ऐसी डिस्टेंस पर रखा जाता है इसकी फोकल लेंथ के आसपास ये बल्ब रहे। इसका रीजन ये है, याद कीजिए, जब कभी भी कॉनकेव जो आपके मिरर है उसके अंदर फोकस के ऊपर यदि हम कोई भी सोर्स रखते हैं, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? सारी की सारी लाइट को इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, मींस सारी की सारी जो लाइट है वो पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जो यहाँ से लाइट मिल रही है वो तो है, लेकिन एक पैरेलल बीम मतलब मैक्सिमम जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आपको पैरेलल बीम के फॉर्म के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, फोकल लेंथ मेरे को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मेरे को दे रखा है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट आपका 2F पे रखा हुआ है? तो ऑब्जेक्ट यदि 2F पे रखा हुआ है मीन्स ROC पे रखा हुआ है। यदि ROC पे रखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था अभी कि ROC के ऊपर ऑब्जेक्ट यदि अपन रखते हैं तो इमेज सेम साइज की मिलेगी, ठीक है, समान आकार की मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है बच्चों, उल्टी मिलेगी और, ठीक है, रियल मिलेगी, वास्तविक मिलेगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तविक, उल्टी व समान आकार की, समान आकार, ठीक है बच्चों, तो वास्तविक, उल्टा एंड समान आकार फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चले। अब देखिए, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। बस यहाँ देखो, थ्योरी यदि आपकी क्रिस्टल क्लियर है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? देखिएगा ध्यान से, कॉनकेव आपको मिरर दिया गया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, अवतल आपको दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण के अंदर ये कह रहा है मेरे से कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए, अवतल दर्पण के लिए 6 तरह के केसेस बनते थे, उसके अंदर ये बोल रहा है व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, 6 केसेस में से सिर्फ एक ही केस था
जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब मुझे प्राप्त हो सकता है। कौन सा केस था वो? वो एक ही केस था कि यदि मैं फोकस एंड पोल के बीच में यदि इसको रखूं, ठीक है बच्चों, यदि फोकस एंड पोल के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर रखूंगा तो मेरे को जो प्रतिबिंब मिलेगा उस क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए फोकल लेंथ 15 है, 15 से कम एक ही ऑप्शन आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड विल बी माय आंसर। ठीक है, तो कई बच्चे न्यूमेरिकल्स के अंदर ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल से भी आप जो डेटा निकालते हैं थ्योरी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यदि आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। आगे चलें, 14, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, ग्लास ले लीजिए 3/2 / 4/3, ठीक है, अभी 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9/8, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप क्या कीजिए, ग्लास को ऊपर रखिए और जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उसको अपॉन में रखिए, तो 9/8 ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें, देखिए 15, एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब दी हुई है, कोई एयर बबल है वो लेट अज्यूम यहाँ पे है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर डीप एज व्यू फ्रॉम दिस साइड, तो ये मैं मान लेता हूँ इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है टी, यदि ये एक्स पे है लेट अज्यूम, तो यहाँ से यदि ये डिस्टेंस है वो मिलेगी मेरे को टी माइनस एक्स, ठीक है, यदि मैंने टी माना है तो ये एक्स दूरी पे है, ठीक है, और ये वाला कितने पे है, टी माइनस एक्स पे। अब यदि मैं इधर से देखता हूँ तो लेट अज्यूम मेरे को 6 सेंटीमीटर पे डीप मेरे को नज़र आता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या शो करना चाह रहा है, अपेरेंट डेप्थ मेरे को मिल रही है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो मेरे को लेट अज्यूम 4 सेंटीमीटर पर मिलता है, ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल अपेरेंट डेप्थ का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्चुअली में वो कितना है, एक्स अपॉन में, याद है अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हाइट अपॉन में म्यू, तो म्यू रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ जब मैं 4 सेंटीमीटर के लिए देख रहा हूँ तो टी माइनस एक्स अपॉन में म्यू, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टी माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, तो 3t - 3x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, यहाँ से मेरे पास टी मिलेगा 5x/3, ठीक है, यहाँ से मुझे टी मिल गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा दीजिए, ठीक है, अब टी मेरे को मिल गया है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं डायरेक्टली उठा सकता हूँ, कैसे, ये देखिए ये वाली इक्वेशन से, तो एक्स क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है, इसलिए मैं सेंटीमीटर नहीं लगा रहा हूँ, 6 इंटू में म्यू, म्यू कितना है मेरे पास 3/2, 3 से 3 गया, ये गया 3, ठीक है, 2 से भी गया 6, तो 3 आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर इज माई आंसर, बस समझ में आ रही है, तो थर्ड विल बी माई आंसर। ठीक है, अपन ने कैसे किया, अपेरेंट के बारे में बात कर रहा है, इस तरफ से देखूंगा तो अपेरेंट मुझे क्या शो हो रहा है 6 सेंटीमीटर, इस तरफ से देखूंगा तो क्या शो हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो ओनली अपेरेंट का फॉर्मूला लगाना है दो बार, वहां से अपने को एक रिलेशन निकालना है टी और एक्स में। चलिए आगे चलें, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल वेरी विद वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द कॉची रिलेशन, देखिए एक्चुअली में ये एक रिलेशन है जो कॉची साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था कि म्यू जो होता है वो a+b λ² के हिसाब से चेंज होता है, यदि आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हो तो म्यू विल बी कॉन्स्टेंट, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ वाइट लाइट देन म्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, बिकॉज वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, तो हर कलर का लैम्डा अलग अलग होगा, तो हर कलर का लैम्डा यदि अलग अलग होगा तो म्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, म्यू हर कलर के लिए अलग अलग मिलेगा मेरे को, ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इन द लेफ्ट कॉलम इज दिस, ठीक है, यू कॉलम शोन बिलो, ठीक है, अपने को निकालना है डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो डायरेक्टली आप देखिए एक जो फंडा है जो आपको बताया गया होगा के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं क्या करूँगा, ये लेवल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये लेवल यदि मैं लेता हूँ तो ऑयल की जो हाइट है वो मेरे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन वाटर की जो है वो 2 सेंटीमीटर पहले से नीचे है, तो यहाँ की जो हाइट है, जो वाटर जो कॉलम है
यहाँ पे जितनी हाइट पे आ रहा है वो मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इजकल टू 8 सेंटीमीटर। क्या मैंने सही लिख रहा हूँ? अब देखिए, बस इतना ही मुझे चाहिए था। इस लेवल प्रेशर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, रो जी एच प्रेशर लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, जी इंटू एच कितना है 10, ठीक है, इसको कितना आ जाएगा P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी इंटू में 8, ठीक है, P0 से P0 उड़ जाएगा, जब इक्वल रहेंगे तो जी से जी भी उड़ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ जो ऑयल है, डेंसिटी ऑफ ऑयल मेरे को मिलेगा 8/10 डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो 0.8, ठीक है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.80 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये मेरे को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? एकदम इजी है। फंडा क्या यूज़ किया, क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर विल बी सेम। P0 तो मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि इसने ये नहीं कहा है, ऊपर से क्लोज किया हुआ है, ठीक है। चलिए, P0 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे गौर करें। ए लॉन्ग यू ट्यूब कंटेन्स मर्करी, व्हेन 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट आर्म द मर्करी इज द राइट आर्म राइजेज अबव इट्स ओरिजिनल लेवल बाय, ठीक है। अब देखिए, ओरिजिनल जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के अंदर ऐसे दिया हुआ था, यहाँ से लेके लेट अज्यूम मर्करी ओनली और ओनली मर्करी फिल की हुई है, ठीक है, यहाँ मर्करी फिल कर रखी है अपन ने, यस इस लेवल पे था। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट केस के अंदर जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है, से मान लो यहाँ तक मर्करी का लेवल आ गया, ठीक है, और वाटर को मैं शो दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये तो ब्लू ही आ गया मेरे पास, ठीक है, तो वाटर को मैं रेड से शो कर देता हूँ। तो लेट अज्यूम आपका वाटर जो है वो ऐसे फिल किया गया, ठीक है, यहाँ तक फिल किया गया है, तो मैं वापस वही करूँगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लूँगा, ये मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आप, यहाँ से यदि मैं एच लेता हूँ ये वाली हाइट, तो वाटर की जो हाइट है, वाटर की हाइट मेरे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये एच जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि ये वाटर नहीं होता तो ओरिजिनल जो इसका लेवल था, तो ये जो ओरिजिनल लेवल था वो इसका जस्ट हाफ होता, क्यों, इसका आधा पोर्शन इधर चला जाता, ठीक है, और ये आधा पोर्शन नीचे आ जाता। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? तो सबसे पहले आपको एच निकालना है सिंपल फॉर्मूला लगा के, उसके बाद में जो ये ओरिजिनल लेवल है, जो मेन इसमें ग्लिच इसने डाला है क्वेश्चन के अंदर, जो मेन ग्लिच डाला है वो ये है ओरिजिनल लेवल, ठीक है, और हिंदी में बात करेंगे तो वास्तविक तल से ऊपर, तो वास्तविक तल की बात की जाएगी तो उसके लिए आपको H/2 करना होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि वाटर में हटाता हूँ तो आधा पोर्शन नीचे जब आएगा तो आधा पोर्शन यहाँ आएगा, ठीक है, और आधा पोर्शन बचा हुआ इसको लेवल को बराबर कर देगा, तो ओरिजिनल लेवल तो इसका यही था, ठीक है। तो पहले अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी इंटू में 10, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू में जी इंटू में एच, जी से जी उड़ा दीजिए, एच आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे को दे रखा है 1 × 10^3 अपॉन में 14 × 10^3 इंटू में क्या दे रखा है मेरे को 10, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.72 सेंटीमीटर आपके पास एच मिलेगा, ठीक है, जब ये एच आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ वापस, क्यों, जो ओरिजिनल लेवल यदि निकालना है आपको तो H/2 करना होगा 0.36 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? क्यों ओरिजिनल लेवल मैंने किया वापस बता देता हूँ, क्योंकि यदि ये हाइट मैं लेके चल रहा हूँ H, ठीक है, तो जब ये वाटर यहाँ से मैं लिफ्ट करूँगा, मान लिया मैंने वाटर बाहर निकाला, तो इसका आधा पोर्शन इधर आएगा और आधा पोर्शन इधर आएगा, ठीक है, तो ओरिजिनल लेवल से ये जो ऊपर उठा है वो H/2 उठा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट विल बी योर आंसर। अब 19 क्वेश्चन की बात करें। ए फायरवुड बोर्ड फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विद 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर, द डेंसिटी ऑफ द वुड इज, देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो एक चीज सोचिए आप, थिंक करके देखिएगा कि जो एरिया है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, जो एरिया है वो तो पर्टिकुलर इस पूरे के लिए कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक है, अब ये जो 60% वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो जो मेन जो इफेक्ट डाल रहा है वो डाल रहा है इसकी हाइट, कि कितना डेप्थ के अंदर गया है। बात समझ में आ रही है कि कितना डेप्थ में गया है?
तो यदि मैं 60% ऑफ वॉल्यूम की बात करता हूँ जो अंडर वाटर है, सॉरी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 60 अपॉन में 100 इंटू में h, इतनी हाइट यानी कि 3/5 h जो मेरे पास आएगा, मतलब 3/5 h ये हाइट के अप्रोक्सीमेटली यदि मैं देखूँ, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ तो ये 3/5 h नीचे घुसा हुआ है और 2/5 h ऊपर है, ठीक है बच्चों। अब बस, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो मीन्स ये बैलेंस हो गया है, बैलेंस हो गया है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू में 3/5 इंटू में h, ठीक है, और इंटू में क्या कर देंगे, एरिया, mg बराबर कर दो, और बायंसी यदि आप लगा रहे हो, ये तो मैंने क्या किया, बायंसी लगाया, जितना पार्ट डूबा हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू में एरिया इंटू में h, ये तो कम्प्लीट h ही होगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, g a h, उड़ा दीजिए, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में 3/5। अब ये पूछ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ले लीजिए, 3/5, तो एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा 0.6। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप वाटर के अंदर रखते हो, तो अब यदि आप उसको अंदर भी प्रेशराइज करते हो, तो एरिया तो टोटल कॉन्स्टेंट ही रह रहा है जो उसके अंदर रखा हुआ है, मेनली डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है हाइट, जिस हाइट के ऊपर वो अंदर जा रहा है, या फिर जितनी हाइट उसकी बाहर है, क्यों, क्योंकि बायंसी अपन यदि यूज करते हैं, तो अपन बायंसी के अंदर जो फॉर्मूला है एफ बायंसी आप लेके चलते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इंटू में जी। बात समझ में आ रही है, इमर्ज पार्ट मीन्स जो पार्ट उसका डूबा हुआ है, अब डूबा हुआ है तो एरिया तो कॉन्स्टेंट ही है, तो इफेक्ट कौन डाल रहा है, एच डाल रहा है, कितना h, जो कितनी हाइट उसकी अंदर डूबी हुई है, वो अपने को लेनी है यहाँ पे, एक ही जगह तो a ही आएगा। बात समझ में आ रही है, आगे चले रहा हूँ, vp, ठीक है, vp अपॉन में vq, vp अपॉन में vq आ जाएगा आपके पास aq अपॉन में ap। एरिया की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो डायमीटर की बात करूँगा, ठीक है, तो q का डायमीटर यदि मैं निकालना चाहूँगा एरिया के साथ, ठीक है ना, डायमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी आ जाएगी, तो VP एंड VQ, R2 कितना है, R2 की बात की जाएगी तो 2 और ये 1, तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो VP इज इक्वल टू 4 VQ, तो Q का कितना हो जाएगा, 4 times, Q का कितना हो जाएगा, 4 times, तो फर्स्ट विल बी my आंसर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी है, हो जाएगा, सबसे हो जाना चाहिए। आगे चलें, द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज ब्लोन अप टू डबल इट्स वैल्यू अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, इफ आर बी द इनिशियल रेडियस ऑफ बबल एंड टी बी द सरफेस टेंशन देन एनर्जी स्पेंड, देखिए एनर्जी वन ई वन आप लेना चाहेंगे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन के लिए जब आप यूज़ कीजिएगा टी इंटू में एरिया एनर्जी के लिए, तो सो बबल के अंदर हमेशा दो लेयर्स अपन लेके चलते हैं, तो 2 इंटू में 4 पाई r² इंटू में t, और e2 जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 पाई 2 r² इंटू में t, ठीक है बच्चों, तो e2 माइनस जो e1 है, जो एनर्जी है, वो आ जाएगी मेरे पास 24 पाई r² इंटू में t, ठीक है, हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें, वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब थ्रू हाइट एच इफ द ट्यूब इज इंक्लाइन टू द लिक्विड सरफेस एट 30 डिग्री, ये सेंटीग्रेड आ गया, सेंटीग्रेड नहीं आना चाहिए था, सेंटीग्रेड को कट कर देते हैं, ठीक है, हिंदी में देखिए 30 डिग्री कोण है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिएगा, कैपिलरी ट्यूब को मैंने ऐसे कर दिया है, पहले ये ऐसे थी, ठीक है, ये जो एंगल है ये 30, तो ये जो हाइट है ये क्या आनी चाहिए, h, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हाइट है h डैश, तो h डैश कितना होना चाहिए, तो h डैश साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, h डैश कितना होना चाहिए, 2h, तो थर्ड विल बी योर आंसर। अब देखिए 24, ए वुडन स्टिक 2 मीटर लॉन्ग इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, द सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07 न्यूटन मीटर, ठीक है, सरफेस टेंशन इसने दे दिया, बाय पुटिंग सोप सॉल्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक द सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड टू
0.06 द नेट फोर्स ऑन द स्टिक विल बी। ठीक है, अब कोई भी स्टिक है, ठीक है, जैसे ये स्टिक है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो अपन जो सरफेस टेंशन जो लेके चलेंगे वो टेंशन कौन सी लेके चलेंगे बच्चों? सरफेस टेंशन जो होगा पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? सरफेस टेंशन इंटू में लेंथ। तो मैं कैलकुलेट यदि करना चाहूँ F1 माइनस F2, तो T1 माइनस T2 में साथ में क्या आ जाएगा? लेंथ, सॉरी T1 मेरे पास कितना है? 0.07 माइनस 0.06, T2 कंडीशन बना दी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट में L कितना आ जाएगा? 2, तो यहाँ से मेरे पास 0.01 इंटू में 2, जो आंसर आ जाएगा 0.02 न्यूटन। ये मेरे पास फोर्स, अभी नेट फोर्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो 0.02 सेकेंड विल बी योर आंसर। आगे चलें, देखिए, थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मास 1 kg, आर प्लेस टचिंग वन अनदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, टचिंग वन अनदर, इसने कोई भी लीनियर नहीं बोला है, तो टचिंग वन अनदर अपन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और ये स्फीयर है। अब देखते हैं कंडीशंस, इन स्फीयर्स का जो खुद का सेंटर ऑफ मास होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल से आर डिस्टेंस के ऊपर होगा। देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये तो मैंने अपवर्ड व्यू लिया है। यदि मैं साइडवर्ड व्यू की बात करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उससे आर डिस्टेंस ऊपर होगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका वेयर इज द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड? क्षैतिज सतह पर हो ही नहीं सकता। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एनी टू स्फीयर्स, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। एट द सेंटर ऑफ द बॉल, सेंटर ऑफ बॉल सारे के सारे का सेंटर ऑफ द बॉल किसी एक पे होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी एक पॉइंट के अबाउट लेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं अपनी राइट चॉइस होगी। ठीक है, क्षैतिज सतह पर हो नहीं सकता, किन्हीं दो गोलों के संपर्क बिंदु पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, यदि आप इसके अबाउट निकालना चाहते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो संपर्क बिंदु पर एग्जैक्टली नहीं आएगा। ठीक है, तो चौथा विल बी योर आंसर। आगे देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम शोन इन द फिगर विल बी। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, एक पुली, ठीक है, सेकेंड पुली, ये आपके है 5 kg एंड दिस वन इज 40 kg। तो देखिएगा, यहाँ पे यदि टेंशन टी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ T1, क्योंकि आपको टेंशन जो लेनी है वो अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग लेनी है, सिंगल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1। यहाँ पे जब मैं फोर्सेस इक्वल करूँगा तो 2T1 = T, तो T1 आ जाएगा मेरे पास T/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और जब कंस्टेंट मोशन की जब मैं बात करता हूँ, तो यदि ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2A, यहाँ पे T1 है। ठीक है बच्चों, अब NLM लगा दीजिए डायरेक्ट। NLM लगाने से अपने को सबसे पहले A निकालना है, तो NLM की इक्वेशन जब मैं बना रहा हूँ 40 kg के लिए, 40 kg के लिए देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो बिगर फोर्स 40g माइनस में टेंशन इक्वल टू 40A, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 5 जो है वो ऊपर जा रहा है, तो T1 मैंने यहाँ निकाल रखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ T/2 माइनस 5G इक्वल टू 10A। ठीक है बच्चों, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास T-10G इक्वल टू 20A। ठीक है, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 30G इज इक्वल टू 60A। ठीक है, A मेरे पास आ जाएगा G/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A मेरे पास G/2 आ रहा है, इसका मीन्स ये हो गया कि 40 kg जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो तो मेरे पास है G/2, एंड 5 kg जो है उसका एक्सेलरेशन मेरे पास है ओनली G। ठीक है, अब A सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लेंगे? M1A1 M2A2 अपॉन में M1 + M2। ठीक है बच्चों, अब देखिए डायरेक्टली आप लिख दीजिए M1A1, लेट अज्यूम इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, 40 kg वाले की मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो 40 इंटू में G/2। ठीक है, तो 5 kg वाले की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये क्या है, माइनस में लेना पड़ेगा अपने को, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो 5 इंटू में
जी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 45। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10/3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के साइन से घबराना नहीं है अपने को, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन एक्चुअली में ये शो कर रहा है कि अपन ने जो पॉजिटिव इनिशियली माना है वो गलत माना है। इसने जो क्वेश्चन के अंदर अपवर्ड जो डायरेक्शन है पॉजिटिवली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिवली है। ठीक है, तो 10/3 जो है ओनली ए की ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकेंड अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अब देखिएगा टू ब्लॉक सिस्टम दे रखा है अपने को। समान द्रव्यमान एम के दो गुटकों को एक प्राकृतिक लंबाई वाले स्प्रिंग से जोड़कर निकाय का निर्माण किया जाता है। निकाय को 36 घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में रखा जाता है। दर्शाए अनुसार एक गुटके पर बाह्य बल एफ इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि वह अन्य गुटके से दूर ले जाने का प्रयास करता हो। टी समय पर द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ए सेंटर ऑफ मास यदि मैं निकालना चाहूँगा तो एफ अपन में 2m। ठीक है बच्चों, तो एस क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में एफ बाय 2m इंटू में टी स्क्वायर, तो एफ टी स्क्वायर बाय 4m, दैट इज माई आंसर सेकेंड। आगे चलें, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज लाइकली पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन फिगर। अब देखिएगा ये होलो स्पीयर है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, तो सेंटर ऑफ मास जो सिचुएशन होगा वो जहाँ पे ज़्यादा मास है उसके अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, एकदम यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे एयर है तो ए पे नहीं आ सकता, बी यहाँ पे दे रखा है, सी यहाँ पे दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सी पॉइंट के आसपास इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो थर्ड विल बी माई आंसर। ठीक है, सी पॉइंट, अब आप ये मत स्टिक रहिएगा कि ये एकदम सरफेस के पास में दे रखा है, ठीक है ना। डी पॉइंट आप ये मान के चलिएगा एकदम नीचे दे रखा है, सी पॉइंट इसके जो सरफेस है उसे थोड़ा सा नीचे दे रखा है, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए आगे चलें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ डायामीटर से, ठीक है, डायामीटर के अबाउट रिंग का जो होता है वो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसको ये मान के चल रहा है कि आई ज़ीरो है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसके अबाउट ये निकालना चाह रहा है ऐसे घुमाने के लिए, तो यहाँ पे मैं पैरेललॉग्रैम थ्योरम लगाऊंगा तो आई मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस, ये देखिएगा ये डिस्टेंस कितनी है, आर ही तो है, एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 mr2। यहाँ से जो एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2i0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2i0, तो आई थिंक 4i0 माई आंसर हो जाएगा मेरा, तो फोर्थ विल बी माई आंसर। आगे चलें, अब देखिए फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट आर ए स्मॉल सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर बाय 4 इज कट ऑफ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप क्या कीजिएगा, मास निकालिए, जो कटेड पार्ट का, कटेड पार्ट का मास निकालूंगा तो टोटल का मास एम है अपॉन में एरिया आ जाएगा, तो कटेड पार्ट जब मैं निकालना चाह रहा हूँ तो एम आर स्क्वायर बाय 16, तो एम बाय 16 जो मास है वो मैंने कट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, सिमेट्री के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मेरे को निकालना होगा, वाई सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं होगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की यदि मैं बात करूँ ओ को ही मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो कंप्लीट डिस्क है उसका खुद का तो वहाँ आएगा नहीं, लेकिन यदि मैं, अब आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है जो कटेड पार्ट के लिए, तो एम बाय 16 इंटू में क्या आएगा वो देखिए, ये जो डिस्टेंस है, लेट मी चेंज द इंक, देखिएगा ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये आर बाय 4, ये भी आर बाय 4, ठीक है, ये आर बाय 4 है, ये भी आर बाय 4 है, ठीक है ना, तो आर बाय 4, आर बाय 4 कितना हो जाएगा, आर बाय 2, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर बाय 2 है। ठीक है, तो आर बाय 2 प्लस आर बाय 4, ये इसकी सिचुएशन होगी ओ के रेस्पेक्ट में यदि मैं देख रहा हूँ, तो आर बाय 2 प्लस आर बाय 4 कितना हो जाएगा, सॉरी इंक, लेट मी चेंज इंक, 3 r/4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर मास लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो नीचे क्या लिखूँगा मैं, एम माइनस एम बाय 16 जो मास मैंने रिड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस एम बाय 16 3 r/4 15 m/16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, ठीक है, 3 से ये 5 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा माइनस r/20 ओ के रेस्पेक्ट में यदि मैं सॉल्व करता हूँ, तो बात समझ में आ रही है। कटेट कभी भी किया जाता है तो आप जो यूज़ करोगे सबसे पहले उसका मास निकालिए जो कटेड पार्ट है, ठीक है, उसके बाद में जो ओ के अबाउट ही आप सॉल्व कर लीजिए। ओ के अबाउट जब आप एम लेके चलोगे, देखिएगा सॉरी,
ओ के अबाउट यदि एम लेके चलोगे तो उसका जो एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो आप जीरो ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसीलिए मैंने डायरेक्टली जीरो लिखा है और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पार्ट कट कट किया है आपने, तो माइनस आर बाय 20 फर्स्ट विल बी माई आंसर। नेक्स्ट आगे चलें, एक कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस आर बाय 2, ठीक है ये कंसेंट्रिक होल कर दिया मैंने भाई आर बाय 2 का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस विल बी, अब देखिएगा आर बाय 2 वापस वही, सबसे पहले आपको एम डैश निकालना होगा एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में, ठीक है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो एम बाय 4 है वो तो है इसका मास कटेड पार्ट का, तो आई जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा टोटल का ले लीजिए पहले एम आर स्क्वायर, ठीक है माइनस का साइन एम बाय 4, ठीक है एम बाय 4 आर स्क्वायर बाय 4, बात समझ में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात जो मैं यहाँ मिस्टेक की मैंने क्या की, देखिए प्लेट है ये तो एम आर स्क्वायर ना करके 2 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना इंटू में 2, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर 32, तो आई थिंक ये आ जाएगा 15 एम आर स्क्वायर अपॉन में 32, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर से जिन जिन बच्चों को लगा कि सर एकदम सही कर रहे हैं वो बच्चे वापस ध्यान देवें, और जिन जिन बच्चों को ये याद आया कि एम आर स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए था, वेल एंड गुड है, सही पाथ पे हो आप। आगे चलें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट दिस डायामीटर, ठीक है सर्कुलर वायर है मास एम दे रखा है एंड रेडियस दे रखी है आर, तो अबाउट दिस डायामीटर जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो डायामीटर के लिए मैं क्या कर दूंगा डायरेक्टली, देखिएगा ऐसे वायर है ठीक है, डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, तो फर्स्ट विल बी माई आंसर, ठीक है बच्चों फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके अबाउट यदि मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और यदि इसके डायमीटर के अबाउट सॉल्व करूँगा तो एम आर स्क्वायर बाय 2, तो फर्स्ट विल बी माई आंसर। आगे चलें, फॉर ए यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना, ठीक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई ए सी इज इक्वल टू आई ई एफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो सेकेंड विल बी माई आंसर। आगे चलें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज, मॉडुल ऑफ ऑफ रिजिडिटी, तो अपन देखिए दृढ़ता गुणांक की जब बात करेंगे तो इसके अंदर जब अपन फोर्स लगाएंगे तो फोर्स डायरेक्टली अपन ऐसा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कोई भी आपके कहते हैं ना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, तो फोर्स का कोई स्ट्रेस इसके यहाँ बन ही नहीं पाएगा, ठीक है स्ट्रेस बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए अपन इसको क्या ले लेंगे ज़ीरो, ठीक है ना स्ट्रेस ही नहीं लग पाएगा लिक्विड के ऊपर, आइडियल लिक्विड के ऊपर। अब द वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर इज 100 न्यूटन, इट्स वेट इन वाटर इफ इट डिस्प्लेस 400 cc ऑफ वाटर इज, ओके देखिए एयर के अंदर वेट दे रखा है आपको, वेट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, तो क्या मैं कह सकता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम जो है वो 10 kg के बराबर है, कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इफ़ वेट इन वाटर इफ़ इट डिस्प्लेस, ठीक है कितना वॉल्यूम है इसने डिस्प्लेस किया है 400 cc जो है इसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है तो जितना वेट जो है वो कम होगा, देखिएगा ध्यान से मतलब इतना वाटर इसने डिस्प्लेस किया लेट अज्यूम, ठीक है जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया उतना ही बायंसी लगेगा, और ये क्या होगा एफ जी जो लग रहा है, तो वेट जो अपेरेंट है वो क्या आएगा एफ जी माइनस एफ बी, ठीक है तो एफ बी आपको निकालना है बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट कितना है 400 cc इंटू में जी, ठीक है बच्चों तो डेंसिटी ऑफ वाटर जब आप लेके चलोगे तो ये आपके आ जाएगा 1000 इंटू में 400 इंटू में, अब आप सारा का सारा सॉल्व यदि किस में कर रहे हो एम के एस में कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना होगा इंटू में 10, ठीक है बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी यहाँ पे सॉरी 10 ले रहे हो अब अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है एफ बी 4 हो गया, तो अपेरेंट जो वेट है वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 4, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली
96 के आसपास, ठीक है। 9.8 भी, 9.8 भी यदि आप यहाँ लेते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा कम आएगी, ठीक है ना। तो 96 के आसपास यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, तो फोर्थ विल बी माई आंसर। बात समझ में आ रही है। एपेरेंट जो वेट है, एपेरेंट वेट क्या होता है, एफ जी माइनस एफ पी, ये एपेरेंट वेट होता है। और बायंसी जो होता है, बायंसी जो होता है, बायंसी होता है वो आपके डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट। इमर्ज पार्ट जो होता है वो वॉल्यूम अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, और इंटू में जी। आगे चलें। 36, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस इज 0.9, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्लैब ऑफ आइस ऑफ हाइट 0.5 मीटर फ्लोटिंग इन फ्रेश वाटर डेट विल जस्ट सपोर्ट ए 100 kg मैन इज। देखो, बर्फ का विशिष्ट गुरुत्व इसने दे रखा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दे रखी है मेरे को 0.9, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि भाई एच बाय टेन पार्ट है, एच बाय टेन पार्ट है जो इसकी हाइट का, मैंने आपको बताया था एरिया जो होता है वो तो एकदम कांस्टेंट चलता है, हाइट कितनी डेप्थ अपने वाटर के अंदर है या बाहर है उससे उसका इफेक्ट आता है। एच बाय टेन पार्ट है वो वाटर से आउट है अभी, ठीक है ना। मीन्स ये हो गया कि वाटर ऐसे है, तो ये जो पार्ट है जो बाहर है वो है एच बाय टेन। अब मैं यदि 100 kg का कोई भी, ठीक है, 100 kg का कोई भी मैन है, उसको मैं यदि इसके ऊपर रखता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, बस तैरना चाहिए ये, तो एच बाय टेन है, इसको सपोर्ट इसी को करना है। बस समझ में आ रही है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले निकालिए वॉल्यूम आउटसाइड वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एरिया इंटू में 0.5 मीटर ऊंचाई, ठीक है, बाय 10, 5 बाय 10, ठीक है बच्चों, ये आपके आ जाएगा a/20। बस समझ में आ रही है। ऊंचाई आपको दे ही रखी है, ऊंचाई मैंने यहाँ रख दी। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसी को सपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया डेंसिटी लिख दूंगा, ठीक है, हाइट मैंने ले ली इसके अंदर, और जी इसको तो क्या आ जाएगा, 100 g, ठीक है बच्चों। जब अब इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी एरिया की 2 m², ठीक है बच्चों, 2 m², मतलब जी से जी कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 30 0 ये काट देगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, 2 m². बात समझ में आई या नहीं आई। सबसे ज़्यादा यदि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, कितनी हाइट बाहर है या कितनी हाइट अंदर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो इसका मीन्स ही ये है कि भाई एच बाय टेन पार्ट जो है इसका बाहर है, ठीक है, और 9 h/10 पार्ट है वो उसका अंदर है, ठीक है। हाइट के हिसाब से एरिया तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एरिया तो सारी की सारी स्लैब के अंदर कॉन्स्टेंट चलेगा। 37 देखते हैं भाई, 37 क्या है, ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर एंड ऑरिफेस इज मेड इन द वॉल सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स ऑफ द वाटर रशिंग आउट इज मैक्सिमम। देखिए बच्चों, ये आपने यूनिट एंड डायमेंशन में भी किया होगा कि यदि मैं यहाँ पे ऑरिफेस बनाता हूँ, ठीक है, यदि मैं इसकी रेंज जो है वाटर के गिरने की, ठीक है, वाटर के गिरने की रेंज है, थोड़ा हाइट पे ले लेते हैं, यदि ये रेंज एक्स है, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या केस होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 2h, ठीक है बच्चों। यदि छेद से पानी एच भरा हो, ठीक है, एच भरा हो तो एक्स जो है वो हमेशा 2h के बराबर आएगी मैक्सिमम वाले केस में, ये आपको याद रखना है। आगे चलें। देर इज ए स्मॉल होल एट ए बॉटम ऑफ ए लार्ज ओपन वेसल, ठीक है, वी की जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे 2gh, ठीक है, तो वी डैश जब आप लिखेंगे तो 2 × g × 4h, तो आई थिंक 2v आपके पास आ जाएगा, थर्ड विल बी योर आंसर। 39, इफ टू सो बबल ऑफ डिफरेंट रेडियस कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, ठीक है, इसको देखिए ऐसे दिया हुआ है, एक सो बबल की रेडियस ज़्यादा है, एक की कम है, सो बबल के लिए जब आप बात करेंगे तो 4t/r, ठीक है, ये प्रेशर होगा। अब जिसकी रेडियस कम होगी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो होगा क्या, स्मॉल बबल से
फ्लो करेगी एयर बिग बबल की ओर जब तक कि स्मॉल बबल पूरा कोलेप्स नहीं कर जाता, ठीक है। तो हवा छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की ओर बहेगी। तीसरा करेक्ट आंसर होगा 40, इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड, ठीक है, दे रखा है अपने को डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपने को दे रखी है 19.5 केजी मीटर माइनस 3, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ जो सिल्वर है वो भी ले लेते हैं अपन, वो दे रखी है 10.5 केजी मीटर माइनस 3। अब डेंसिटी ऑफ जो विस्कस लिक्विड है, लिक्विड ले लेते हैं 1.5 केजी माइनस डैश, ठीक है, केजी डैश मीटर माइनस 3, केजी पर मीटर क्यूब। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर मतलब गोल्ड के लिए इसने टर्मिनल स्पीड दे रखी है, सिल्वर के लिए ये आपसे टर्मिनल स्पीड निकालना चाहता है, ठीक है। अब देखिएगा, 6 pi neta rV इज इक्वल टू 4/3 pi r³, ठीक है, रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में जी, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं निकालूँगा तो वी गोल्ड अपॉन में वी सिल्वर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा ही ले लेते हैं, और अपॉन में डेंसिटी ऑफ, ये सिग्मा लेके चल रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, लेकिन मैं गोल्ड और ये लेके चल रहा हूँ तो डिफरेंशिएट हुआ ही, पहले से हुआ हुआ है सिल्वर माइनस सिग्मा, ठीक है। तो 19.5 माइनस 1.5 अपॉन में 10.5 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 18/9 जो कि 2 है, ठीक है। तो वी जो सिल्वर है, वी सिल्वर का आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी सिल्वर इधर आ जाएगा, तो वी गोल्ड अपॉन में 2 कितना है, 0.2/2, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। आगे देखें, ए 20 cm लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ओके, द वाटर राइजेज अप टू 8 cm, इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। देखिएगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है जब ये डिस्कशन करता है फ्रीली फॉलिंग के केस के अंदर, ठीक है, तो हमेशा जो भी कैपिलरी की लेंथ होती है वो टोटल लेंथ के अंदर वाटर फिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जी नहीं होगा, तो जितना वाटर फिल होगा वो कैपिलरी की लेंथ पूरी अचीव कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो 20 cm की लॉन्ग लेंथ है, तो फोर्थ विल बी योर आंसर। अब देखिएगा 42, ए सर्कुलर बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर डी इज इक्वल टू 2 cm फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 degree एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू 3/2, द डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टेड बीम इज। अब देखिएगा ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो लेट अज्यूम ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, ये मैंने नॉर्मल बनाया, यहाँ पे यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट ले रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये आई है तो ये भी आई होगा, और ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है, इसी डायग्राम से आपको देखना है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये मैं ले लेता हूँ एक्स, जो कि इन दोनों के लिए कॉमन है, ये मैं ले लेता हूँ D1 और ये मैं ले लेता हूँ D2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन के अंदर, यदि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो स्नेल्स लॉ ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आई अपने को 60 degree पता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, तो 1 μ1 sin 60 degree इज इक्वल टू μ2 3/2 sin r, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से साइन आर कितना आ जाएगा, 2/3 √3/2, ठीक है, 2/3 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये तो आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा साइन आर, ये आ जाएगा 1/√3, बात समझ में आ रही है। अब इसको देखिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कॉस आई इज इक्वल टू डायमीटर 1, ठीक है, और x cos r इज इक्वल टू डायमीटर 2, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए,
डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू कॉस आई अपॉन में कॉस आर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या कॉस आई की वैल्यू, तो चलो मेरे को पास है ना आई की वैल्यू 60 डिग्री, मुझे पता है कॉस आर कैसे निकालूंगा। तो बच्चों ऐसे कभी भी यदि आप फंसें, ठीक है, तो आप हमेशा ट्राइंगल बना लीजिए, सबसे बढ़िया रास्ता यही है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस रूट 3 है, तो बेस कितना आ जाएगा रूट 2, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा रूट 2 बाई रूट 3। ठीक है, अब देखिएगा डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू कॉस 60 वन बाई टू, ठीक है, तो रूट 3 बाय रूट 2, बस समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉरी रूट 2 बाय रूट 3 उल्टा लिख दिया ना। हाँ ये थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रूट 2 बाय रूट 3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43 पे गौर करें, ये तो देखो एकदम ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल ज्योमेट्री है, देखिएगा ध्यान से। बी यहाँ पे है आपका सोर्स, ठीक है, ये एल डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करूँ, ऐसे मैंने डायग्राम बना लिया, ये बन गया मेरा डायग्राम। ठीक है, अब देखिएगा यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये तो डी आ ही गया, देखिए ये तो डी हो ही गया, ठीक है, ये डी हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि क्या होगा रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब टेन थीटा लगा दीजिए बराबर, ये डिस्टेंस एल है और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L। ठीक है बच्चों, यदि आप टेन थीटा लगाएंगे, ठीक है, ये डी बाई टू है और ये एल है, तो यहाँ पे यदि मैं टेन थीटा लगाता हूँ तो टेन थीटा लगाऊंगा तो डी बाई टू बाई एल, सही लिखा है मैंने, और यहाँ पे यदि मैं टेन थीटा निकालता हूँ ये वाले डिस्टेंस में एक्स ले लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा एक्स अपॉन में 2L। ठीक है, तो एक्स यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा टी, और यदि एक्स मेरे पास डी आ रहा है तो यहाँ पे जो एक्स है वो भी कितना आएगा टी, तो टोटल कितना आ जाएगा 3T, जो कि मेरा आंसर है फोर्थ। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिप्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर, द मैग्निफिकेशन इज M1, द ऑब्जेक्ट रिमूव 15 सेंटीमीटर अवे विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर पोजिशन अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, मैग्निफिकेशन बिकम M2 इफ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 4, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ट्राई करते हैं अभी। सबसे पहले केस वन, केस फर्स्ट की यदि मैं बात करूँगा तो वी वन जो मेरे पास आएगा इमेज वो आएगा 25 अपॉन में एफ, एफ प्लस 25, ठीक है, और केस सेकेंड की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वी टू मेरे पास आएगा 40F अपॉन में 40+F। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब M1 M2 इज इक्वल टू 4, ये मेरे को दे रखा है। अब M1 बेसिकली होगा क्या, V1 बाय U1 इंटू में V2 बाय U2, ठीक है, माइनस माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो 4। ठीक है, अब V1 क्या है 25F अपॉन में F प्लस 25 अपॉन में 25, ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये माइनस का साइन फिर आएगा, माइनस माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू में 40F अपॉन में F प्लस 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा 40, ये U है, तो V1 अपॉन में U1 इंटू में V2 अपॉन में U2, ये U है बच्चों। ठीक है, ये क्या है U, V2 बाई U2 बाई 4, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, फोर्थ विल बी योर आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट दे रखी है आपको, ठीक है, ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब किसी न किसी कॉर्नर पे ये पास कर रही है, तो मैं क्या करूँगा पैरेलेक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ। ठीक है, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस में आई, ये आपके पास आ जाएगा आई। ठीक है, अब आई सेंटर ऑफ मास की यदि बात करता हूँ तो मैं MA² बाय 6, ये तो आई सेंटर मास निकल जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से,
और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ आई के, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, रूट टू ए बाई टू। रूट टू ए बाई टू है तो ये ए बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई टू, तो आई थिंक 4a² / 6 आना चाहिए मेरे पास, तो 2a ma² / 3 दिस विल बी माई आंसर, फोर्थ विल बी माई आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है एक और जो सिंथेसिस ने लिया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी और भी नई नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बी से ध्यान रखिए अपना।